हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉप एजुकेटर्स। जैसे कि हम सब जानते हैं, 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब हम सबको FYJC यानी 11th स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई करना होगा। तो महाराष्ट्र में ये एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस होगा, आपको कैसे अपने फॉर्म्स फिल करने हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ ईजी गाइडलाइंस दूंगी जिसके थ्रू आप ईजीली अपने फॉर्म्स को घर बैठकर भर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हर बच्चों को रहता है। जैसे कुछ बच्चों का ये डाउट था कि मैम, हमने मॉक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, तो क्या मुझे ये फॉर्म जो नया लेवल 1 का आया है ये फिर से भरना पड़ेगा? तो यस, मॉक एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब था सिर्फ प्रैक्टिस फॉर्म, यानी आपने सिर्फ प्रैक्टिस किया था कि आपको ये फर्स्ट लेवल का जो फॉर्म है, लेवल 1 फॉर्म, ये कैसे भरना है। अब अगर आपने ये मॉक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भी भरा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, यू कैन स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन एंड आप आगे अपना प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हो एप्लीकेशन का। अब इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन आया था 26 जुलाई को, और ये रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या था? रजिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ इतना था कि आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट कर पाओगे। इसके आगे जो मेन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त से, एंड इफ़ आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में, तो भी डोंट, रजिस्ट्रेशन अभी भी चालू है, आप अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं एप्लीकेशन के लिए वो देख लेते हैं। पहला है 10th रिजल्ट का सर्टिफिकेट। अब ये सर्टिफिकेट मुझे पता है आपके पास नहीं होगा, तो डोंट वरी, आपने जो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लिया था ऑनलाइन रिजल्ट का, वो भी आप एक बार सबमिट कर सकते हो। बट ये सिर्फ इनिशियली सबमिशन करना है, आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो बाद में सबमिट करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो नीचे के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट्स, ये सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका किसी भी टाइप का रिजर्वेशन है, जैसे OBC, SC, ST, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। इसके अलावा आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिएगा, ये भी सिर्फ रिजर्वेशन ग्रुप के लिए ही है। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन, बच्चों का कहना होगा कि मैम, ये तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, ये सेल्फ डिक्लेरेशन एग्जैक्टली क्या है? तो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो PDF है वो आपको फॉर्म में ही मिलेगा, डोंट वरी, आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट मारना है, फिल करना है और स्कैन करके फिर से उसको अपलोड कर देना है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको करना है। और ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 10th रिजल्ट का सर्टिफिकेट काफ़ी है, उनको बाकी इंक्लूडिंग सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं देना है, इनिशियली नहीं देना है, अभी कुछ भी सबमिट नहीं करना है। ये वेबसाइट्स है महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन के, पूरे महाराष्ट्र को 6 रीजन में डिवाइड किया हुआ है और उनके अलग अलग रीजन्स के अलग अलग वेबसाइट है रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म के। मैं ये 6 रीजन्स के जो वेबसाइट्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके अपने रीजन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। जैसे ही आप वेबसाइट पे विजिट करोगे, आपको एक ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, एंड इफ आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है दैट मीन्स यू हैव योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, तो आप वो यहाँ पर डायरेक्टली डालकर लॉगिन कर सकते हो। मैंने रजिस्टर नहीं करवाया था तो मैंने रजिस्ट्रेशन पे, और मैंने जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था तो एक ऐसा पेज ओपन हुआ जहाँ पर मुझे डिटेल्स लिखनी थी अलग अलग, मैंने सारी डिटेल्स एंटर किए अपने हिसाब से और कंप्लीट करते हुए मैंने रजिस्टर पे क्लिक, जैसे ही मैंने रजिस्टर किया मुझे मेरा लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया और वो मुझे एक मैसेज के थ्रू भी मिला, तो मैंने वो डिटेल्स फिल कर दी। अब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो एक वीडियो है वो हमने पहले बना लिया था, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके बाद आप सेम पेज पे वापस आकर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करोगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे। एज सून एज यू लॉगिन, एक ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो आपका नाम और आपका लॉगिन आईडी दिया हुआ है। इसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करोगे, आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपने आप आ जाएंगे। ये आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किए थे इसलिए आपको फिर से फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप अभी इसमें चेंजेस कर सकते हो। देन नीचे स्क्रॉल करते हो,
आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका पर्सनल डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने पर्सनल डिटेल्स डालने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, लेकिन ये जो रेड मार्क वाले एरियाज है ये आपको कंपल्सरीली फिल करने हैं। कॉलेज का जो इंडेक्स नंबर है अगर आपको पता है तो आप डालिए, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हो। यूडाइस नंबर भी अगर आपको पता है तो इट्स फाइन, नहीं पता तो यू कैन स्किप इट एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो आपके एड्रेस डिटेल का पेज एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस डिटेल्स डालनी है। इसके बाद आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने हैं। आपका फ़ोन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा अगर आपको कोई अल्टरनेट नंबर डालना है, ईमेल आईडी, आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हो। अगेन सेम थिंग, स्टार मार्क वाली, रेड स्टार मार्क वाली चीज़ें कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, आपको फिल करके ही आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर, इसके बाद आप देख सकते हो एक कैटेगरी एंड अदर रिजर्वेशन डिटेल्स का पेज ओपन हो गया है। इसमें आपको अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है अपने हिसाब, और नीचे स्क्रॉल करते हुए डिटेल्स डालते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हो एक क्वालिफिकेशन डिटेल्स का पेज ओपन हो गया है। अब हम सब जानते हैं हमने 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया है, तो पासिंग स्टेटस में तीन ऑप्शन मिलेगा आपको, पास हुए हो, फेल्ड हो या फिर पेंडिंग रिजल्ट्स में है। तो मैंने पास डाला है। इसके बाद मेरा जो 10th स्टैंडर्ड था उसमें एक इंग्लिश सब्जेक्ट था तो मैंने येस पे क्लिक किया है। ऑल्सो आई हैड साइंस तो मैंने फिर से येस पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं अपने मार्क्स डालूँगी, कितने में से है, यानी आउट ऑफ मार्क्स डालते हुए परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। इसके बाद मुझे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नाउ यू कैन सी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स का पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर टॉप पे मैं गाइडेंस सेंटर पे क्लिक करूँगी। इसके बाद सेकेंडरी स्कूल या गाइडेंस सेंटर का जो जोन है अलग अलग वो दिखाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग अपना जोन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको सेकेंडरी स्कूल या गाइडेंस सेंटर, अब जैसे पहले आपने जोन सिलेक्ट किया, इसके बाद आप एग्जैक्ट आपका गाइडेंस सेंटर जो होगा उस स्कूल या कॉलेज का नाम सिलेक्ट करोगे। अब जैसे मैं भाईंदर में रहती हूँ तो मैंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका सिलेक्ट किया है। इसके बाद जो हमारे पास का कॉलेज है रीना मेहता, वो मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट किया है। सिमिलरली आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना गाइडेंस सेंटर का जोन और गाइडेंस सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। देन वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। नाउ यू कैन सी अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने ओपन कैटेगरी सिलेक्ट किया था तो मुझे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, दैट इज़ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट। तो मैं यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करूँगी एंड एक ऐसा ब्राउजिंग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं जब चूज फाइल पे क्लिक कर तो एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे मैं अपने फाइल को ईजीली ब्राउज कर सकती हूँ। ओपन पे क्लिक करूँगी, अब मैं डायरेक्टली अपलोड पे क्लिक कर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकती हूँ। नाउ एस यू कैन सी मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है, मैं व्यू पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट देख सकती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो फाइल टाइप अलाउड है वो है JPG, JPEG, PNG, BMP एंड PDF। तो आप इनमें से कोई भी फाइल टाइप अपलोड कर सकते हो। साथ में वो जो फाइल साइज होना चाहिए, यानी आप जो फाइल अपलोड करोगे उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए 1 MB। सो मैं व्यू पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट्स देख लेती हूँ। जैसे ही मैंने व्यू पे क्लिक किया तो जो सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया था वो आ चुका है, मैं देख सकती हूँ। एक बार फिर से रीचेक कर सकती हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। इसके बाद अब वो स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, यानी किसी और रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने OBC एक सिलेक्ट किया है, तो आपने देखा कि जैसे मैंने OBC सिलेक्ट किया था रिजर्वेशन वाले पेज पे, तो मुझसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। जैसे 10th का जो मार्कशीट है वो तो कॉमन ही है, सबको देना ही है। इसके अलावा मुझे कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एंड सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हो, इफ़ यू डोंट हैव एनी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, जैसे ये जो रेड मार्क वाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, वो तो आपको देना ही है। बाकी डॉक्यूमेंट्स आप 3 महीने के अंदर अंदर अपने कॉलेज में अपने सेंटर पे सबमिट कर सकते हो। तो अब बाकी चीज़ें तो ठीक है, अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन का एक पेज ओपन हो जाएगा। ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का
डॉक्यूमेंट है, ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो यहाँ पर ऊपर जाकर, और इसका प्रिंट लेकर आपको इसको फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपना नाम, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, कैटेगरी लिखनी है, रीजन लिखना है आप कौन से रीजन को बिलोंग करते हो। हमने पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र को 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना रीजन लिखोगे। अब यहाँ पर आपको मार्क करना है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स बाद में सबमिट करोगे, यानी आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो यू हैव टू टिक मार्क ओवर हियर। आपके पास अगर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अब 10th का LC आपके पास नहीं होगा तो अगेन आप यहाँ पर क्लिक करके नीचे आपको डेट लिखनी है, साइन करना है, साथ में आपके पेरेंट का सिग्नेचर भी लगेगा, और ये डॉक्यूमेंट आप फिर से स्कैन कर सेम एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो सेम आपका जो डिक्लेरेशन है वो मराठी में दिया गया है, तो आप दोनों भी ऐसे कोई भी एक फॉर्म को फिल करके अपलोड कर सकते हो। इसके बाद जब आप सबमिट कर दोगे सारे डॉक्यूमेंट्स तो एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पर आपको पेमेंट के लिए कहा गया है, यानी आपको एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी पे करना है। तो आप देख सकते हो यहां पे जो अमाउंट आ रहा है वो 225 रुपीस आ रहा है। यहां पर आप ऑनलाइन पेमेंट मोड ही सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी कोई ऑप्शन आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है कोविड की वजह से। तो आप यहां पर क्लिक करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस। अब जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन डिटेल्स का पेज ओपन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ट्रांजेक्शन आईडी दिया हुआ है, मेरा पेई आईडी दिया हुआ है, मेरा नाम दिया हुआ है, साथ में ही फ़ी अमाउंट दिया गया है, दैट इज़ 225। मैं यहाँ पर कुछ ना करते हुए सिर्फ प्रोसीड पे क्लिक कर रही हूँ। एक ऐसा वेटिंग पेज दिखा रहा है मुझे, लेकिन मेक श्योर आप यहाँ पर रिफ्रेश या कोई और बटन क्लिक ना करो और वेट करो। नाउ यू कैन सी एक पेमेंट का पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखा रहे हैं मुझे, जैसे पहला है नेट बैंकिंग का ऑप्शन, नेट बैंकिंग के अलावा डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI एंड क्रेडिट कार्ड। जब मैं नेट बैंकिंग पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे ट्रांजेक्शन फ़ी मांग रहे हैं 5.32 रुपीज़, यानी ओवरऑल मेरा जो पेमेंट अमाउंट होगा वो 230 होगा। चलिए दूसरा भी चेक कर लेते हैं। अब जब मैंने डेबिट कार्ड पे क्लिक किया तो मुझे ट्रांजेक्शन फ़ी कुछ नहीं पे करना है, 225 रुपीज़ एग्जैक्टली मांग रहे हैं। यहाँ पे मैं अपना कार्ड नंबर, कार्ड का एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर्स नेम यानी जो कार्ड पे नाम लिखा है वो, और जो कार्ड के पीछे 3 डिजिट्स का CVV नंबर होता है वो डालकर अपना पेमेंट कर सकती हूँ। चलिए और भी चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक द वॉलेट ऑप्शन। अब जब मैंने वॉलेट ऑप्शन ओपन किया तो सिर्फ एक मोबीक्विक के वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं मोबीक्विक अगर आप यूज़ करते हो तो आप मोबीक्विक के वॉलेट से भी अपना पेमेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे भी मुझे ट्रांजेक्शन फ़ी 3.98 चार्ज किया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। अब जब मैंने UPI पे क्लिक किया तो एक ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस 0 है। UPI आप अगर गूगल पे यूज़ करते हो, फ़ोनपे यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, तो आप अपना जो UPI एड्रेस यानी UPI आईडी है वो यहाँ पे डाल सकते हो एंड देन यू कैन पे। क्रेडिट कार्ड पे अगर आप क्लिक करते हो तो अगेन यू कैन सी मुझे कोई ट्रांजेक्शन फ़ी नहीं पे करना है। सेम जैसे मैंने डेबिट कार्ड में डिटेल्स डाली थी वही डिटेल्स मुझे यहाँ पे डालनी है और मैं प्रोसीड कर सकती हूँ। वंस आप अपना पेमेंट कर दो तो एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपके सामने जिसमें लिखा रहेगा लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। मेक श्योर यू रीचेक ईच एंड एवरी डिटेल्स, क्योंकि एक बार अगर आप डिटेल्स को अपलोड कर दोगे, लॉक कर दोगे, तो फिर से आप अपना एप्लीकेशन एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको लगे कि यहाँ पे कहीं भी कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप यहाँ पे डिटेल्स में जाकर अपने एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हो। अब मैंने अपना सारा एप्लीकेशन देख लिया है, मुझे कहीं भी कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, चेकबॉक्स पे टिक करूँगी एंड देन आई विल क्लिक ऑन लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन लॉक करने से पहले मुझे फिर से कंफर्मेशन के लिए बोला जा रहा है, मैंने फिर से सारे डिटेल्स चेक कर लिए हैं, तो आई विल क्लिक ऑन कंफर्म। अगर आपको अभी भी लगता है आपको कोई चेंजेस करनी है तो कैंसिल क्लिक करके चेंजेस कीजिए और उसके बाद यू कैन कन्फर्म दी। जैसे ही मैंने अपना फॉर्म लॉक किया मुझे एक ऐसा फॉर्म अपीयर हो गया। यहाँ पर टॉप पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म,
मुझे इस फॉर्म को प्रिंट करना है, सेम बटन पे क्लिक करके मैं अपना फॉर्म प्रिंट कर सकती हूँ। एक बार नीचे देख लेते हैं कि फॉर्म, सो आप देख सकते हो मेरे सारे डिटेल्स इस फॉर्म पे दिखाई दे, साथ ही में नीचे लिखा हुआ भी है करंट स्टेटस इज़ लॉक्ड, यानी मेरा जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये लॉक हो चुका है, अब मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकती हूँ। इसके अलावा लिखा हुआ है दैट माई एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट वेरीफाइड बाई सेकेंडरी स्कूल और माई गाइडेंस सेंटर। इसका मतलब ये है कि गाइडेंस सेंटर मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, मेरा फॉर्म वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ये स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा वेरीफाइड पे। अब मैंने अपना फॉर्म प्रिंट कर लिया है, मैं जब डैशबोर्ड पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम चीज़ लिखी हुई है लॉक्ड, यानी मेरा फॉर्म अब लॉक हो चुका है, मैं इसमें चेंजेस नहीं कर सकती हूँ, एंड नॉट वेरीफाइड बाय सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर। और जब गाइडेंस सेंटर मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देंगे तो ये स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आप अपना जो वेरीफिकेशन सेंटर है, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सेंटर, वो चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने कुछ गलत सिलेक्ट कर लिया है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो एक मेन्यू है नीचे, यहाँ पे दिया हुआ है कि चेक डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन स्टेटस, कि आपका जो डॉक्यूमेंट आपने वेरिफिकेशन के लिए दिया है उसका स्टेटस क्या है, स्टूडेंट टाइमलाइन, पेमेंट हिस्ट्री, आपने जो पेमेंट की थी वो सक्सेसफुल है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप यहाँ पे भेज सकते हो सेंड ग्रीवियंस पे क्लिक करके, और ये ग्रीवियंस के बाद आप अपने जो कंप्लेंट की है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। एंड और यू कैन चेंज दिस थ्री थिंग्स, दैट इज़ योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, योर पासवर्ड और योर सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला होगा, वो अगर आपको लगे कि आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अब आप अपने खुद की हेल्प करते हुए अपना फॉर्म खुद भर सकते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।